अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दराज शॉपिंग हॉल में आपका वेलकम है। ये सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने आज के दराज शॉपिंग वीडियो में मंगवाई हैं। मैंने ये सारी ऑर्डर की थी और ये आपको मैं इनके प्राइसेस भी बताऊंगी और इनके बाकी डिटेल्स भी बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ये है जी सारे पार्सल्स जो मैंने ऑर्डर किए थे और ये मुझे रिसीव हो चुके हैं। हम लोग सबसे पहले मैं आपको इनको दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था, क्या क्या मैंने पार्सल्स मुझे रिसीव हो चुके हैं। अच्छा, इनकी डिलीवरी जो थी ना, वो भी इस दफ़ा मुझे थोड़ा जल्दी रिसीव हो चुकी थी। ये सबसे पहला पार्सल है, ये था एक फ़ोन कवर। अच्छा, ये ना पहले से खुला हुआ था, मतलब मैंने ही खोला था, ये नहीं कि उनके पास से खुला हुआ मिला था। ये मैंने इसलिए पहले से अनपैक कर लिया था, सॉरी, कि ये मैंने पहले ऑर्डर किया था तो ये मुझे रॉन्ग कवर आ गया था। ठीक है, मुझे आईफोन XS मैक्स का आ गया था शायद, तो जबकि मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स का चाहिए था। तो ये अच्छा, ये फिर मैंने इसलिए ये वाला उनको दोबारा से एक्सचेंज किया था। रिटर्न पॉलिसी जो होती है दराज की, उसके थ्रू, तो ये फिर मुझे इन लोगों ने दोबारा से जब दिया था तो इन लोग मुझे मैसेज रिसीव हुआ था दराज की तरफ से कि आपको पहले इसको चेक कर लें, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्सल पहले से ही अनपैक किया हुआ था। ये था, एक सिलिकॉन का कवर था और ये इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा लगता है ये फ़ोन पर लगा हुआ ना, बड़ा स्मूथ सा है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये है, छोटू सा एक पार्सल है। ये मैंने पूरे बाज़ार में ढूंढा लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मिली। मैंने अपनी पूरी मार्केट में ढूंढ इतनी पता की मुझे मिल ही नहीं रही थी। ये नहीं कि आपको रिजनेबल प्राइस में मिले, मुझे ये मिली नहीं थी एक्चुअली। ये है जी फेरी लाइट्स, जो कि मुझे चाहिए थी कुछ वीडियोज़ के लिए, कुछ पर्पज़ था इनका मुझे ये लेने का, तो मैंने इसलिए ये फिर मुझे कहीं से नहीं मिली। मैंने बड़ा पता किया था मार्केट से, तो मैंने इसलिए मुझे ये दराज पे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में 150 रुपीज़ में मुझे ये मिल गई थी, तो मैंने या वहाँ से ये ऑर्डर कर लिया और ये मुझे सबसे पहला पार्सल था जो मुझे ये रिसीव हो गया था। विद इन 2 डेज़ ये मुझे रिसीव हो चुका था और ये इतनी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लेंथ है, लंबी है। ये भी कभी ना मैं आपको प्रॉपर किसी वीडियो में यूज़ करके ना तो लगा के दिखाऊँगी। ठीक है, ये मुझे 150 रुपीज़ में मिल गया था, अच्छा खासा ये था। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पैकेज है वो क्या था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी, मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक डील्स, आपको पता है जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो मुझे एक डील नज़र आई थी कि आपको परफ्यूम के टेस्टर्स मिलेंगे फ्री। तो मैंने सोचा, मैंने कुछ परफ्यूम ऑर्डर करने थे तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा इनके पहले चेक करती हूँ। ये मैंने ऑर्डर किए थे लेकिन ये फ्री नहीं थे, ये डिलीवरी चार्जेस हमने खुद दिए थे 400 रुपीज़ के। हाँ, 400 रुपीज़ आई थिंक सो मैंने दिया था और ये मुझे 4 जो थे इसके अंदर टेस्टर्स मिल गए थे। ये मैं आपको ज़रा निकाल के दिखा देती हूँ, डिफरेंट फ्लेवर्स थे इसके। ये देखें, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है एंड लेमन है। ये बड़े खूबसूरत से थे, छोटे छोटे टेस्टर्स थे। इनकी ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है, जो इनकी स्मेल थी ना वो खूबसूरत थी। एक जो है ना, हम लोग इसकी ज़रा स्मेल करके भी मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरह ये आपका होगा। यहाँ से इनको खोलेंगे और ये रोलर वाला, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया था और आई थिंक सो 3-4 आवर्स तक मुझे यहाँ से ये स्मेल आती रही। आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी क्वान्टिटी में मैंने इसको यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्सल है वो था, ये मुझे बड़ा पसंद था, ये मेरे क्लोज टू हार्ट था क्योंकि इसमें मैंने मंगवाया था एक बैग, इतना क्यूट था ना, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देती हूँ। वो भी ये पैकेज मुझे पूरा मिला था अराउंड 1800 to 1900 के दरमियान इसकी प्राइस थी। इसमें 3 जो थी ना प्रोडक्ट्स, ये जो डील होती है ना 3-in-1, 4-in-1, ये मैंने उस डील के थ्रू मंगवाया था। इसमें मेरे पास एक बैग था, एक डर्मा रोल था और एक ये स्पंज थे और ये इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, ना कि मतलब ज़बरदस्त है। जितनी भी मैंने चीज़ें मंगवाई ना, मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी इनकी लगी थी और ये इतने स्मूथ थे, ना, ये बहुत खूबसूरत है। 5 शेड्स में ये मुझे मिल गए थे और ये बड़े अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये मुझे आई थिंक सो मिले थे 500 रुपीज़ में या 600 रुपीज़ में ये मुझे मिल गए थे। आप मुझे ना मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे तो मैं आपको इनकी एग्जैक्ट प्राइस और इसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद ये मैंने मंगवाया था एक डर्मा रोल की, जब भी मैं ये यूज़ करूँगी प्रॉपरली तो मैं ये भी आपको इसकी वीडियो आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूँगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा मेरे साथ हो गया था कि मुझे लगा था कि थोड़ी सी ना मतलब बड़ा होगा, लेकिन जब मैंने इसको मंगवाया था ना तो ये मुझे थोड़ा सा छोटा सा मिला था, तो फिर मुझे इसका थोड़ा सा ये हुआ था, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा था। ठीक है, ये इसकी पैकेजिंग में इसका थोड़ा बॉक्स डैमेज हो गया था। ये है जी डर्मा रोल, ये देखिए छोटू सा है,
और यहाँ पे आप ये इस तरह यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वीडियो करा थोड़ा सा फ्रेम से, सॉरी इसके लिए आपको जो बाहर हो रही है, मुझे मैंने बड़ी धूप में ये वीडियो शूट की थी तो इसलिए मुझे ना ये प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, माई फेवरेट ये वाला जो है, अब इसको हम लोग अनपैक करते हैं, सॉरी, और इसको हम लोग खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ही खूबसूरत था ना ये, मुझे आई थिंक सो मिला है 1800 रुपीज़ में, शायद 1800 रुपीज़ में। और इसके ये 3 पॉकेट्स थे, ये स्मॉल मिनी पॉकेट है, उसके बाद एक ये 2 बड़ी हैं, ठीक है। ये हैंडल था इसका, ये देखें आप, ये लास्ट पॉकेट है, इसमें भी काफ़ी ये स्पेशियस है। और ये जो दरमियान वाली ना मीटर वाली, ये मैं आपको ना ज़रा खोल के दिखाती हूँ, यहाँ से ये खुलेगी, ये देखें, ये इतनी अच्छी से स्पेशियस थी ना, मेरा मतलब मोबाइल भी इसमें आसानी से आ जाता है और आप इसमें और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। इसमें आपको एक स्ट्रैप भी मिली थी, वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए, मिनी पॉकेट थी, ये स्टैप के बाद देखने लगने के बाद ऐसा हो गया। तो ये पेन की क्रिस क्रॉस बैग था, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे ना, क्रिस क्रॉस बैग पकड़ना या लेना ना ज़्यादा इजी लगता है। उसको ये होता है कि आपको हाथ में पकड़ना नहीं पड़ता, तो फिर अगर आप कहीं पर अपना बैग शेक भूलते भी नहीं है, वो आपने शोल्डर पर अपने किया होता है। उसके बाद जी, ये जो है आजकल तो ये हर किसी के पास होती है, हर किसी के पास। ये था, आपको शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये क्या था। मैं आपको ज़रा ये खोल कर दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत ज़बरदस्त मैंने पैकेजिंग की थी। मतलब इसको मैं 15 to 20 minutes इसको मैं अनपैक ही करती रही थी, बड़ा अच्छा ये इन लोगों ने इसको पैक किया था। और फिर क्या हुआ कि मेरा फ़ोन यहाँ पर हीट अप हो गया था और मुझे फिर इसको शाम को वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, मतलब 2 पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो जल्दी से। अच्छा, ये थी जो सबसे पहले स्टैंड है, ये देखें, रिंग लाइट का स्टैंड है और रिंग लाइट मैंने इनसे ऑर्डर की थी। इसको मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ, ये इसको निकाल के ना इसके अंदर से, बड़ा अच्छा ये पैक था। इसको मुझे खोलने में तो बहुत ही टाइम लगा। यहाँ से ना देखिए, ये बस इसमें हल्का सा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ख़राब है सामने से, बाकी ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं प्रॉपर बताऊँगी, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। उसके बाद हम लोग रिंग लाइट को ओपन करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये देखें जी, यहाँ से इसको भी, ये देखें, आपने इसको भी अच्छी तरह उन लोगों ने पैक किया हुआ था। और उसके बाद ये है जी रिंग लाइट, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको भी मैं आपको खोल के तो दिखा देती हूँ। इसके अंदर से बाकी भी जो चीज़ें निकली हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है लाइट, इसको निकाल लेते हैं। और ये आई थिंक सो ये शायद 36 सेंटीमीटर थी। और ये इसके बाकी स्क्रूज़ वगैरह हैं जो इनको दोनों को अटैच करेंगे, और यहाँ से ये इसका रिमोट है जहाँ से इसकी लाइट चेंज होती है। अच्छा, ये देखें, इसके मैं आपको बाकी सारे शेयर्स भी दिखा देती हूँ। 3 शेयर्स हैं इसके शायद, ये देखिए, यहाँ से ये चलेगी, ऑन होगी ऐसे, इसकी काफ़ी लाइट थी, ये एक्चुअली ना लाइट चल गया तो इसलिए आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। ये सेकंड है और ये थर्ड है, कूल बाम और एक नॉर्मल जो टोन होती है ना, उसमें ये 3 इसकी लाइट्स हैं। और अच्छी उसकी लाइट तेज़ भी हो जाती है, स्लो भी हो जाती है, लो भी है। देखिए, अब लो भी है, यहाँ से इसको आपने यहाँ से प्रेस करो और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ से ऑफ़, ठीक है जी, तो ये हो जाएगी यहाँ से ऑफ़। उसके बाद ये है जी, मैंने एक मार्बल शीट मंगवाई थी, ये भी मैं आपको खोल के तो प्रॉपर दिखाती हूँ। ये इसकी ना थोड़ी सी जब आई थी तो इसका ना थोड़ा सा ये ख़राब हो गई है बीच में से, वो मैं आपको खोलती हूँ तो दिखाती हूँ। लेकिन पैकेजिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ से ना थोड़ी सी ख़राब मुझे मिली थी। ये शायद जब इनको आपको पार्सल करवा रहे होते हैं तो फिर उसको पता नहीं होता कि किस तरह भी आपकी वो चीज़ें फेंक देती हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने से देखिए, यहाँ से, बाकी तो ये ओवरऑल अच्छी थी। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ जब आप इसको, अच्छा ये एडहेसिव शीट है, ये आप किसी भी टेबल पे, किसी भी दीवार पे या किसी भी वॉल पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, अपने किचन की कैबिनेट पे, शेल्फ्स पे, हर जगह आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जी, ये थी मेरी आज के सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट। तो जी, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।